हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी टमाटर की चटनी। इसके लिए मैंने 5 टमाटर ले लिए हैं, इनको धो लिया है। 3 लेंगे हम प्याज, ये पूरा लहसुन और 6 हरी मिर्च। इसके अलावा हमें चाहिएगा हल्दी, राई, जीरा, हींग, नमक। नमक आप कोई भी ले सकते हैं, काला नमक ले सकते हैं, सफ़ेद नमक ले सकते हैं, और सरसों का तेल। चलिए शुरू करते हैं। लीजिए फ्रेंड्स, जाली मैंने गैस पे रख दी है, गैस हम करते हैं ऑन और इस पे हम अपनी सारी चीजें भून लेंगे। पहले टमाटर भून लेते हैं, उसके बाद प्याज, हरी मिर्च और लहसुन भूनेंगे। धीरे धीरे पलट के इसको अच्छे से भून लेंगे। लीजिए फ्रेंड्स, मैंने इस बाउल में पानी ले लिया है और जैसे ये टमाटर भून चुका है, इसको मैं इस बाउल में डालती जाऊंगी, इससे ये छिलका उतारने में थोड़ी आसानी रहेगी। इनको पकाते हैं अच्छे से, टर्न करते हैं। इसमें ये अच्छे से छिलके इसके उतर जाएंगे। ये भी अच्छे से भून चुका है, इसको भी मैंने हटा लिया है। अब मैं अपनी हरी मिर्चें इसमें भून लूंगी। मिर्च भी भून चुकी हैं, इनको भी हम उतार लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। अब हम अपनी प्याज इस तरफ से नीचे की तरफ रखना है और अपना लहसुन इसको और भून लेते हैं। ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारा लहसुन और प्याज भी अच्छे से भुन चुकी है। गैस करते हैं बंद, इनको भी उतार लेते हैं और इनका छिलका सेपरेट करते हैं। ये देखिए, लीजिए फ्रेंड्स, अब इन सबको छील के काट के हम जार में पीस लेंगे। पीछे से काट लेंगे हरी मिर्चें। और सबको जार में डाल लेंगे और पीसेंगे। ये देखिए, टमाटर का छिलका बहुत आसानी से उतर जाता है जब आप इसको ठंडे पानी में भिगो के रखते हैं। लीजिए फ्रेंड्स, मैं प्याज और कर लेती हूँ, प्याज और लहसुन को और अच्छे से छील लेती हूँ। इनको कुछ नहीं करना, बस आगे पीछे से काटना है और 4 हिस्से करके हम अपने जार में इसको डाल देंगे। बहुत आसानी से उतर जाता है, ये देखिए। इसकी 4 फाक करेंगे और जार में डाल देंगे।
चलिए मैं बाकी भी छील लेती हूँ। लहसुन और छील लेते हैं, इसको भी डाल देते हैं। भुनने से चटनी का स्वाद बहुत अच्छा आता है। लीजिए फ्रेंड्स, मैंने सारी चीजें छील ली हैं, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च और लहसुन। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेंगे, लगभग हाफ कप, और इसको पीस लेते हैं। लीजिए फ्रेंड्स, मैंने सारी चीजों का फाइन पेस्ट बना लिया है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टेप करते हैं। गैस मैंने ऑन कर ली है, कढ़ाई रख ली है। अब इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल। लगभग 2 बड़े चम्मच गरम होने देते हैं। इसमें हम डालेंगे 1/2 स्पून जीरा, 1/2 स्पून सरसों के दाने मस्टर्ड सीड्स, 1/4 स्पून हींग। इसमें हम डाल देंगे 1/4 स्पून लाल मिर्च, मैं लाल मिर्च बताना भूल गई थी, इसमें लाल मिर्च भी पड़ेगी 1/4 स्पून, और 1/4 स्पून हल्दी। इसमें जाएगा हमारा ये मिक्सर, हमारे टमाटर, प्याज, लहसुन और हरी मिर्च ये हमने इसमें डाल दिए। अब इसको अच्छे से पकाएंगे। नमक जाएगा इसमें स्वाद अनुसार, इतना नमक मैं डाल रही हूं, आप अपने घर के स्वाद के अनुसार डालिएगा। तेज आंच पे इसको अच्छे से पकाएंगे और बीच बीच में हिलाते रहेंगे। लीजिए फ्रेंड्स, मैंने इसको ढक दिया है और गैस कम कर दिया है। धीमी आंच पे इसको आराम आराम से पकाएंगे और थोड़ी थोड़ी देर में इसको चेक करते रहेंगे ताकि नीचे ना लगे। बीच बीच में इसको हम चलाते रहेंगे, अभी थोड़ा और पकाएंगे। मैंने फ्लेम कमी रखी है। लीजिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं चटनी मेरी लगभग बन चुकी है, तेल इसमें होने लग गया है सेपरेट। इस स्टेज पे मैं इसमें थोड़ा सा गुड़ और ऐड करूंगी ताकि इसके खट्टेपन को वो बैलेंस कर दे और खट्टी मीठी चटनी बन जाएगी हमारी। अगर किसी को खट्टी मीठी चटनी पसंद नहीं है तो आप गुड़ अवॉइड कर सकते हैं, पर एक बार ऐसे बना के देखिए, आपको अच्छी लगेगी। 5 मिनट इसको और ढक के पकाएंगे ताकि गुड़ इसमें अच्छे से मेल्ट हो जाए। जी फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं चटनी हमारी हो गई है तैयार। ये देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आया है। गैस करते हैं बंद और इसको शिफ्ट करते हैं बर्तन में।
बनाइएगा और बताइएगा कैसी बनी। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।